दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर फैलता ही जा रहा है। कोरोना वायरस की चपेट में लगातार हर दिन कई लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच कोरोना वायरस के चलते आम जनता से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज भी जरूरत के हिसाब से घर से बाहर निकल रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद टीवी शोज और फिल्मों की शूटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। हाल ही में द कपिल शर्मा शो की शूटिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कपिल शर्मा काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि शूटिंग की शुरुआत करने से पहले कपिल शर्मा को चिंता सताई हुई थी अपने परिवार की। जहां एक ओर कपिल शर्मा अनलॉक की खबर सुनने के बाद खुश नजर आए, तो वहीं अपने परिवार को लेकर चिंता में भी थे। इस बात का खुलासा कपिल ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। कपिल अपने इंटरव्यू में कहते हुए नजर आए, जब लॉकडाउन के बाद काम शुरू होने का मौका मिला तब खुशी तो हुई, बहुत खुशी हुई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि शूट पर फिर से जाने के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर थी, क्योंकि घर में एक छोटी सी बच्ची है, बेटी अनायरा को लेकर एक डर था। हालांकि गिन्नी ने मुझे साहस दिया और उसने मुझे समझाया कि ये बीमारी एकदम से खत्म नहीं होगी, कभी ना कभी काम पर तो लौटना ही होगा। गिन्नी ने मुझसे कहा कि जब कल से काम शुरू करना ही है तो क्यों ना आज से शुरू किया जाए। मेरे साथ साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे इंतजार में थे कि शो कब शुरू होगा। एक तरह से मुझ पर इनकी भी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से कपिल शर्मा थोड़े से डरे हुए भी नजर आए अपनी नन्ही सी परी अनायरा को लेकर। जहां एक ओर दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत फैली हुई है, तो वहीं फिल्मों की शूटिंग और टीवी शोज की शूटिंग के दौरान काफी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। ऐसे में द कपिल शर्मा शो की शूटिंग के दौरान भी लगातार सावधानियों पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।